पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई के ऊपर क्वेश्चन ने पूछा कि पीआरआई को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। PRI जो है पंचायती राज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल ओवर इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, इसे हर जगह एस्टैब्लिश किया गया। PRI वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd अमेंडमेंट 1992, तो 73वीं अमेंडमेंट के थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड एट ऑल द थ्री टायर्स इन अकॉर्डिंग विद देयर पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ SC/ST, तो इसके अंदर रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो तीनों टायर्स के अंदर या तीनों टीयर्स के अंदर रखा गया है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए तो रिसेंटली न्यूज में क्या था, देखिए पंचायती राज इलेक्शन जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं और यहाँ पे जो इंडिया के पहले जो वोटर हैं जिनका नाम है श्याम शरण नेगी, वो पोलिंग बूथ पहुंचे अपना वोट को कास्ट करने के लिए। आपने न्यूज जरूर इस बारे में पढ़ी भी होगी, अभी कुछ घंटे पहले ही न्यूज आई थी, आई थिंक 8-10 घंटे पहले। तो मिस्टर श्याम शरण नेगी, इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1917 को कल्पा हिमाचल प्रदेश के अंदर। रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, पहला वोट जो दिया वो कास्ट द फर्स्ट वोट इन 1951 जनरल इलेक्शन, तो 1951 के जो जनरल इलेक्शन थे वहां पर पहला वोट इन्होंने कास्ट किया था। अभी दोबारा से यहां पे गए थे अपना वोट कास्ट करने के लिए, न्यूज थी, दैट्स व्हाई ये पीआरआई के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी जाए तो यहां पे 73वीं अमेंडमेंट तो काफी फेमस है, ये तो आप सीधा ही मार्क कर सकते थे इंडियन पॉलिटी में, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और यहां पे रिजर्वेशन जो है वो भी दिया जाता है, कितने परसेंटेज रिजर्वेशन दिया जाता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू। लेकिन अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें, देखिए पंचायती राज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि है नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स को ध्यान रखिएगा कौन कौन से यहाँ पे एक्सेप्शन बनाए गए, इन ऑल द यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली, ठीक है। तो सर्टेन एरियाज के अंदर इसे अप्लाई नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए